हल्द्वानी कल अचानक हिंसा की आग में जल उठा। पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई तो सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। बड़ी संख्या में मकानों और दुकानों में तोड़फोड़ हुई तो सैकड़ों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने ऐसा उत्पात मचाया कि पुलिस कर्मियों के लिए अपनी जान की रक्षा करनी भी मुश्किल हो गई। देर रात तक हल्द्वानी हिंसा की चपेट में रहा। इस पूरी घटना की आंखों देखी एक चश्मदीद ने सामने आकर बता दी और बता दिया कि किस तरह से ये हिंसा हुई थी, कैसे हल्द्वानी हिंसा की चपेट में आ गया। सुनवाएंगे आपको चश्मदीद का बयान, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल कोर्ट के आदेश पर हल्द्वानी नगर निगम अतिक्रमण हटाने में जुटा था। वनभूलपुरा इलाके में स्थित मलिक के बगीचे में नजूल भूमि पर मदरसे और एक मस्जिद बना हुआ था। नगर निगम ने इन्हें अवैध बताते हुए एक्शन लिया, लेकिन जैसे ही नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी कार्रवाई शुरू की अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई। बुलडोजर एक्शन शुरू ही हुआ था कि पुलिस पर अचानक हमला कर दिया गया। गलियों में इकट्ठा भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, बाइकों में आग लगा दी, यहाँ तक कि थाने को भी आगजनी के हवाले कर दिया। लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने इस पूरी हिंसा की कहानी बताई और बड़ा खुलासा कर दिया। मेरा विशाल कुमार सर, क्या हुआ था कल, कैसे क्या हुआ था सर? वहाँ पे ऐसा हुआ था, 4 बजे करीब ना हम पहुँचे वहाँ पे, 3:30 बजे करीब हम पहुँचे। पहुँचने के बाद वहाँ पे पत्थर थोड़ा बहुत हल्ला हुआ, इसके बाद थोड़ा सा आगे को मशीन पड़ी तो पत्थर फेंका वहाँ से। आप क्या काम करते हो? हम निगम में हैं सर। अच्छा, नहीं, नहीं, हाँ जी हाँ, पूरी कर्मचारी हैं हम, पूरा सेवा हुआ कर सब कुछ रहता है। वो तो हम गए थे तोड़ने के, गाड़ी बुड़ी में आग लगा दी हमारी सारी गाड़ियों में सब में। कितने लोग थे उस टाइम पे? हम पूरे हमारे 200 कर्मचारी थे पूरे। हमारे कर्मचारी हैं अभी देखो, बाकी 3 तो हॉस्पिटल में भर्ती है, कृष्णा हॉस्पिटल में, बाकी अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती है, इनको पता नहीं है मुझे खाली। बाकी सबके लोगों के, मेरे तो यहाँ आई है, मेरे दो, एक पहले यहाँ आई है और दो हाथ पे पत्थर मारे हैं। बाकी हमारे सारे कर्मचारी का भेजड़ा टूटा हुआ है, किसी के सिर में लगी है, किसी के यहाँ लगी है, किसी के टांग में लगी है, सब जगह लगी है, हर जगह लगी है। आप, मेरा विशाल कुमार सर। इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले बात तो सारा ऑपरेशन जो है फ्रंट पे एज एसएसपी मैंने लीड किया है। जहां कहीं भी ऑपरेशन हुआ है मैं खुद मौके पे था, और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि इतने भारी मौत के बीच, इतने भारी पथराव, इतनी गोलीबारी के बीच भी हमारा कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी पुलिस का कर्मचारी उस तरीके से इंजर्ड, घायल या मृत नहीं हुआ है। हमने सबको सेफली बचाया, सबको सेफली रेस्क्यू किया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो अतिक्रमण स्थल था, जहां पर अतिक्रमण तोड़ा जा रहा था, वहां पे किसी तरीके का इस तरह की घटना नहीं हुई। इन लोगों ने अतिक्रमण स्थल पर जो चिन्ह था उसको बचाने के लिए, स्टेट को चैलेंज करने के लिए थाने का घेराव किया, थाने में जो कर्मचारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की और उन कर्मचारियों को बचाने के लिए बल प्रयोग किया गया, जिसके क्रम में वहां पर कुछ लोग घायल हुए हैं, जिसे हम जांच कर रहे हैं कि लोगों की डेथ किस वेपन से, किस के गोली चलाने से हुई। फिलहाल सीएम धामी ने दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए हैं और सख्ती से निपटने का बड़ा आदेश भी जारी कर दिया है। फिलहाल देखना होगा कि इलाके में किस तरह से शांति व्यवस्था कायम की जाएगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।